बहुत ही अच्छा बात है. विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर. यार सोडियम हमेशा बना था क्या है, परऑक्साइड यानी वैलेंसी एक होती है, लिथियम दो और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले हाफ. तो जब वैलेंसी वन होगी तो इसका मतलब है ये वाला केस होगा ना, क्योंकि एन ए की भी वन होती है, एन ए टू ओ टू. फिर कह रहे हैं एच टू एस ओ फोर हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर यानी ऑप्शन डी. फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ये तो इंटरस्टिशियल है, ये भी इंटरस्टिशियल है, ये भी है, सिर्फ वी टू ओ फाइव नहीं है, नहीं पूछा है, ये ख्याल रहे. फिर मोनोसैकेराइड कंटेन 3 to 10 कार्बन आइटम, ये हम लोगों ने थ्योरी में करा था, बायोकेमिस्ट्री की मेरी प्ले लिस्ट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है. जिंक रिएक्ट विद डायल्यूट एच टू एस ओ फोर टू गिव एच टू, इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर टू फॉर्म एस ओ टू. बिल्कुल ठीक है जी, इन दिस रिएक्शन हो गया रहा है. हाँ, ये पहले वाले केस में ना जिंक रिड्यूस कर रहा है एच पॉजिटिव को एच टू पे, और दूसरे वाले में एस ओ फोर माइनस टू को एस ओ टू में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एन सी. फिर कह रहे हैं गिलास क्या होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, सुपर कूल लिक्विड है. फिर कह रहे हैं फॉल्स रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सलाइन हाइड्राइड, जिन्हें आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. ये बात तो सही है. दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है. दे आर आयोनिक इन नेचर, ये भी सही है. दे गेव एच टू ओ फ्रॉम वाटर, ये भी सही है. दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई. फिर कह रहे हैं SN2 रिएक्शन एंड सिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर आ प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन. ये भी हमने क्लास में किया था. अब देखो ये ट्रिक्स बहुत मैंने इसमें जोर दिया था कि ये अल्काइंस हैं तो जो कन्वर्ट होती हैं. अब देखो बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर सिंपल निकल के साथ करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट होगी, ठीक है. लिंटार कैटलिस और निकल में करोगे तो बनेगा सिस, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ, दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड. और अगर निकल के साथ लिथियम और अमोनिया भी मिला लोगे, ठीक है, तो फिर बनेगा ट्रांस, यानी एच अपोजिट साइड पे और सी एल अपोजिट साइड पे. सो यहाँ ये ऑप्शन डी इज़ माय करेक्ट आंसर. का भी केमिस्ट्री कम मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरी ट्रिक से करो. ज़्यादातर वही चीज़ें जो मैंने क्लास में कराई हैं. द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या होते हैं भाई सिलो रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, फिर क्या होंगे सिलो रिएक्शन. फिर इन दोज रिएक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज़ डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट. इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय हेसेस लॉ. न्यूमेरिकल भी हमने किए थे इसके, मैजिकल ट्रिक्स है. आई यू पी एस सी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड. वेल देखो भाई यहाँ पे ओ एच लगा है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे और एक इधर भी है. सो इसका ऑप्शन डी था 2,4-dimethylhexanone. फिर कह रहे हैं कि भाई एक्स डेरिवेटिव द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स. ऑर्थो पैरा और डीएक्टिव एंड सिर्फ हेलोजन होते हैं, और यहाँ एक ही हेलोजन दिया है और वो क्या है बी आर. तो भाई ऑफकोर्स रिएक्शन यहाँ पे होगा बी आर. अब आओ भाई जो हमने बिग थ्री करवाए थे मैंने रिएक्शन के, याद होगा तुम लोगों को. हाँ ये वाले मैंने कहा था पेपर में बहुत आ रहे हैं. देखो पी सी एल फाइव इथेनॉल को पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है सी टू एच फाइव सी एल पी ओ सी ओ थी एल थ्री. तो ए तो मेरा हो गया पी सी सी टू एच फाइव सी एल. आगे जब इसको ए जी एन ओ टू से करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये सी करेक्ट होगा सी टू फाइव एन ओ.